हे गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है उसको रेगुलेशन कैसा होता है उसका, यानी कि रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इससे दोनों के देखे थे हमने कि अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो किडनी किस प्रकार अपना जो फिल्टर होता है उसको कॉन्स्टेंट बनाए रखता है, और दूसरा अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो। दोनों चीज़ें हमने दो प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, और आज की क्लास में बात करने वाले ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन सीक्रेशन। आज हम जिक्र करेंगे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। देखिए होता क्या है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन सीक्रेशन इसके हम बात करें तो नलिकीय अवशोषण एवं स्त्रवण, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन सीक्रेशन। तो जो हमारा पीसीटी होता है उस पीसीटी में ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम हमारा बोवन कैप्सूल बोला था। तो ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट होता है वो छनकर कहाँ पर आता है, बोवन कैप्सूल की कैविटी में आता है, लेकिन उसके साथ कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं वो भी छनकर आ जाते हैं। तो फिर पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में उनका क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है, उनको वापस ले लिया जाता है ब्लड में क्योंकि वो यूजफुल थे। और सांस में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जो कि फिल्टर होने चाहिए थे पर हुए नहीं और ब्लड में रह गए, उनको क्या किया जाता है, वापस छोड़ा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन की पीसीटी, कि पीसीटी में किस प्रकार से होता है। ठीक है, एक पीसीटी का मतलब क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, तो चलिए बोवन कैप्सूल बनाते हैं बड़ा सा, ये बोवन कैप्सूल आ गया। पॉमन कैप्सूल के बाद ये हम यहाँ पर बना रहे हैं पीसीटी, हम बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं अंदर लिखना है इसलिए हमें, ये हमने बना दिया पीसीटी। ये पीसीटी बनाया, अब यहाँ पर क्या है, एफरेंट आर्टरी होगी, ये अपनी आ रही है एफरेंट आर्टरी, काफ़ी मोटी होती है जो। फिर यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। फिर आगे आगे इफ्रेंट आर्टरी जो कि पतली होती है, ये ग्लोमेरुलस। ये अपना हो गया ग्लोमेरुलस। ये हो गया एफरेंट आर्टरी, ये कौन सी है, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी। और ये जो पतली आपको दिख रही है वो इफरेंट आर्टरी है, इसकी बात करें तो इफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। अभी इफरेंट आर्टरी जो होता है वो अगेन क्या करती है, पैरी ट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, उसके चारों तरफ क्या बनाती है, पैरी ट्यूबुलर नेटवर्क कैपिलरी का। ठीक, तो अगेन ये कैपिलरी में डिवाइड होगी, फिर आगे ना करिए इसको हम कैपिलरी में डिवाइड करके आगे ना करें, अगेन ये कैपिलरी में डिवाइड होगी, फिर आगे ना करिए क्या बनाती है, रिनर वेन बनाती है, कैपिलरी में डिवाइड होगी, चलिए। और ये मैंने बनाया पीसीटी, तो ये एफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी, और ये वाला जो हिस्सा है बीच वाला वो है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये पैरी ट्यूबुलर नेटवर्क है जो पीसीटी, ग्रुप ऑफ हेनले और डीसीटी के चारों तरफ होता है। ये अपना बोवन कैप्सूल है, बोवेंस कैप्सूल,
ये पीसीटी है। अब ये जो पीसीटी होता है वो सब पीसीटी है, यहाँ पर सेल्स होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर सेल होती है। यहाँ पर जो सेल्स होती है कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, जो कि सीलिएटेड होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम होती है यहाँ पर इस प्रकार से। पीसीटी में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम, पीसीटी में कौन सी एपिथेलियम होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम होती है। तो ये जो एपिथेलियम है यानी पीसीटी में आपको दिख रही है ये कौन सी है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम। इसकी हम बात करें तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम। ये जो सेल होती है वो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर पीसीटी की, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉर्डर एपिथेलियम। अब यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड में, ये रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा था तो उस ब्लड में क्या होता, ऑक्सीजन थी और साथ में यूरिया भी था उस ब्लड में, तो वो ब्लड यहाँ पर ग्लोमेरुलस में आकर फिर क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, जिसको हमने पहला स्टेप पढ़ चुके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें कौन कौन से, अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं, एक तो GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दूसरा जो है वो BCOP ब्लड कोलाइडर ऑस्मोटिक प्रेशर, और तीसरा जो है वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो तीनों दा शामिल होते हैं और यहाँ पर फिल्टर होकर वो जो फिल्ट्रेट है कहाँ पर आ जाता है, बमन कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है। तो यहाँ पर बमन कैप्सूल में क्या क्या फिल्टर होकर आ रहे हैं, ध्यान देना, एक तो वाटर फिल्टर होकर आ रहा है, क्या फिल्टर होकर आ रहा है, वाटर फिल्टर होकर आ रहा है, इसके बाद आयन्स फिल्टर होकर आ रहे हैं वाटर के साथ कुछ आयन्स, और साथ में ग्लूकोज फिल्टर होकर आ रहा है, ये चीज़ें फिल्टर होकर आ गई। इसके साथ आयन्स की बात करें तो आयन्स कौन कौन से आते हैं, देखो आयन्स एक तो Na+ आता है, Cl- आता है, Ca+2 आता है, Cl- Ca+2 HCO3-, जिसके अलावा HCO3-, ये आयन्स होते हैं वो फिल्टर होकर कहाँ पर आ जाते हैं, बमन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि साथ में यूरिया भी आया फिल्टर होकर, यूरिया भी आया प्लस यूरिया, तो यूरिया को तो फिल्टर होना ज़रूरी था, यूरिया को तो बॉडी से बाहर निकलना था तो उसका तो फिल्टर होना ज़रूरी है, इसी यूरिया से यूरिन का फॉर्मेशन हुआ गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो H2O आयन ग्लूकोज, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए ज़रूरी थी और वो भी क्या होगी, फिल्टर होगी। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं अपन, ये जो कैपिलरी जो होती है उसकी एंडोथेलियम उसमें पार्टिसिपेट करती है, जो कि कैसी होती है, छिद्रित होती है, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये जो होती है ये वाली उसमें पॉडोसाइट होते हैं, क्योंकि पॉडोसाइट होते हैं और पॉडोसाइट के बीच में छेद होते हैं स्लीट पोर, जिनसे होकर क्या होती है, यानी कैप्सुलर एपिथेलियम उन छिद्रों से होकर फिल्ट्रेट आता है। ये पूरा प्रोसेस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब फिल्ट्रेट कहाँ पर आ गया, बमन कैप्सूल की कैविटी में आ गया, बमन कैप्सूल में फिल्टर आ गया। लेकिन उस बमन कैप्सूल में कुछ ऐसे पदार्थ भी आ गए जिनको फिल्टर नहीं होना था, गलती से आ गए बाय मिस्टेक, जैसे कि वाटर आयन ग्लूकोज, यूरिया को तो फिल्टर होना था, अगर यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसको बाहर निकालना है तो यूरिया को तो आना कंपल्सरी थे, जिनको नहीं आना था जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी थे वो भी फिल्टर होकर कहाँ पर आ गए, बमन कैप्सूल में आ गए। और बमन कैप्सूल में आ गए मतलब वो किस प्रोसेस में शामिल हो गए, यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में शामिल हो गए, मूत्र निर्माण की क्रिया में शामिल हो गए, वो मतलब कि यूरिन के जरिए इनको बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया में शामिल हो गई। पर क्या इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ग्लूकोज को नहीं निकाला जाता है, आयन्स होते हैं, वाटर बहुत लेस अमाउंट में होता है, तो इन सबको बॉडी से बाहर ये बहुत ज़्यादा छनकर आ गया है, बहुत ज़्यादा छनकर आ गया है, तो उनको उतना ज़्यादा छनकर आना नहीं था। तो फिर अब क्या किया जाएगा, अगर ज़्यादा चीज़ आ गई है तो उनको क्या करो, वापस खींचो। इसीलिए फिर क्या होगा, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्यूब्यूल में पीसीटी की ट्यूब्यूल में से उसको क्या किया जाएगा, वापस खींचा जाएगा,
उसको वापस किस में डाला जाएगा, ब्लड में जाएगा। इसीलिए ये जो नेटवर्क है वो किसके चारों ओर है, पीसीटी के चारों ओर है, समझ पा रहे हो। ताकि पीसीटी में ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल, सॉरी ये जो यूजफुल मटेरियल जो आ गया है उसको क्या किया जा सकते, रीअब्सॉर्ब किया जा सके, उसको वापस खींचा जा सके, समझ पा रहे हो। वास्तव में यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, जो आवश्यक पदार्थ थे वो भी छन कर आ गए हैं, अब वो पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक है। तो इसलिए इस पीसीटी के चारों ये जो पैरी ट्यूबुलर नेटवर्क है ये वाला, वो कहाँ पर है, इस पीसीटी के चारों ओर है, ठीक है। और उस पीसीटी में आप देखो ये ब्रश बॉर्डर क्यूबोडल एपिथेलियल में वो क्या करेगी, उन आवश्यक पदार्थों को वापस अवशोषित कर लेगी, यानी कि पुनरावशोषण होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। और रीएब्जॉर्प्शन होगा तो वो जो मटेरियल है जो यूजफुल था, जो यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया था बाय मिस्टेक, उसको वापस किस पे डाला जाएगा, ब्लड में डाला जाएगा। तो ब्लड का था और ब्लड को दिया, इसे क्या बोलेंगे, रीएब्जॉर्प्शन। ब्लड का था गलती से छन गया तो ब्लड ने वापस भी ले लिया, ब्लड का था यहाँ पर गलती से छन गया तो ब्लड ने वापस ले लिया, वापस ब्लड में डाला, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक और चीज़ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, वो चीज़ समझना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, तो यहाँ पर सपोज सेल में आती है, तो सेल के बाहर यहाँ पर क्या है, आर्टरी आएगी, आर्टरी के अंदर क्या होगा, कैपिलरी होगा, कैपिलरी का अगेन क्या आएगा, वेन आएगी, ये उसके अंदर कैपिलरी बना दी मैंने। तो अब इस आर्टरी में ओटू है, ये ओटू सेल को देती, ये सेल है, तो वो जब ये ओटू बाहर आएगी तो इस कैपिलरी से कुछ छनित्र, कुछ फिल्ट्रेट, कुछ लिक्विड भी कहाँ पर आ जाएगा, इस सेल्स के टिश्यू के बीच में आ जाएगा, और उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ आई बात, इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, वो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, जो सेल के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला भाग है उसमें फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये बीच वाला जो भाग होगा, किसके बीच में, पैरिट्यूबुलर नेटवर्क कैपिलरी का, देखो पैरिट्यूबुलर नेटवर्क कैपिलरी का, कैपिलरी का, और ये सेल है उसके बीच का स्पेस, तो पीसीटी जो है वो सेल से बनी हुई है। तो पीसीटी और पैरिट्यूबुलर नेटवर्क उनके बीच का जो स्पेस है ये वाली जगह, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसमें जो फ्लूइड है उसको आप क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर जो जो आयंस आए थे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिज बॉर्डर की बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है उनके बीच बीच में यहाँ पर पंप होते हैं। अब ये जो पंप होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। अब जहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं, ये पंप क्यों होते हैं, आयनों के आवागमन के लिए, जो आयन्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पंप होते हैं। और ये पंप जो होते हैं वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर चलते हैं, मतलब क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं, मतलब कि यहाँ पर इनसे जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एनर्जी यूज होती है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा सोडियम पोटेशियम से ट्रांसपोर्टेशन, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कौन सा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, समझ रहा है। मतलब इन पंप के जरिए जिन जिन का, ये जो पंप बनाए हैं मैंने, उनके जरिए जिन जिन का रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिन जिन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो सब कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो सब कैसा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोडियम जो है उसमें से तीन सोडियम आयन ये सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए इंटर करेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, कहाँ पर फ्लूइड करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये सोडियम जो होता है उसके साथ, उसी के साथ वाटर का भी क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सोडियम और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, सिम्पॉट टाइप का बदलता है,
कैसा होता है? सिंपोर्ट टाइप का होता है। सिंपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये जो मेम्ब्रेन है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन में दोनों की डायरेक्शन ये है, एन ए प्लस का भी डायरेक्शन ये है और वाटर का डायरेक्शन भी ये है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक ही, इसको हम बोले सिंपोर्ट। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, एक का डायरेक्शन ये हो दूसरे का डायरेक्शन ये, तो इसको हम बोलते हैं एंटीपोर्ट। इसको आप क्या बोलोगे? एंटीपोर्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपोर्ट। इसको हमने क्या बोला? सिंपोर्ट और ये एंटीपोर्ट। तो सोडियम के साथ क्या होता है? वाटर भी चला जाता है, सोडियम जो था उसके पीछे पीछे वाटर भी जाता है, रीअब्जॉर्ब हो गया। तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो देखो जो ये जो ब्रश वाटर ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल है उनके बीच में स्पेस होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम बात करें, यहाँ से अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर। और इसके बीच में से होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांससेलुलर। इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, इंटरसेलुलर सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। अगर सेल के अंदर से हो रहा है तो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, और सेल के बीच में जो गैप है वहां से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरासेलुलर। ये पैरासेलुलर होगा। और अगर बीच में से हो रहा है तो ट्रांससेलुलर, मतलब बीच में से हो रहा है मतलब किसके द्वारा हो रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए हो रहा है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। यानी कि एन ए प्लस का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एन ए प्लस के साथ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं जो H2 और आयन जो होते हैं उनका 70-80% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी में। यानी कि जितने भी आयन उनका 70-80% क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 70-80% आयन एंड वाटर रीअब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब इन पीसीटी। यानी कि पीसीटी में 70-80% वाटर और आयन क्या हो जाते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी जो बचते हैं वो लुपोफिलिक और पीडीसीटी, उनमें उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। बाकी 70-80% क्या हो जाते हैं? यही पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 3Na+ जा रहे हैं अंदर, ठीक है, और साथ में क्या कर रहा है? H2 भी जा रहा है। तो 3Na+ गया तो उसके बदले में 2K+ अंदर भी आता है। यहाँ पर जो K प्लस है, इसके पास K प्लस था, वो उसने इसको दे दिया, तो इस 2K+ कहाँ पर आ गया? PCT में आ गया। तो यहाँ पर इसको Na+ का तो क्या हुआ? रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और K प्लस का क्या हुआ? सिक्रेशन हुआ। समझ रहे हो? जो इसके अंदर था, यानी कि क्या हुआ? ध्यान देना, कुछ पदार्थ ब्लड अपने साथ कुछ पदार्थ ब्लड ऐसे ले आई जो कि उसको यहाँ पर फिल्टर कर देने चाहिए थे, पर फिल्टर नहीं हुए, तो उनको फिर यहाँ पर PCT में आकर डाल रही है। समझ पा रहे हो? कुछ पदार्थ तो छन कर आ गए जो जरूरी थे, तो फिर पीसीटी में आकर उनको वापस दे दिया। लेकिन कुछ पदार्थ ब्लड अपने साथ लेकर आई थी जो कि जरूरी नहीं थे, वेस्ट मटेरियल था, तो उसको पीसीटी में वापस डाला जा रहा है। उसमें कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम को क्या किया उन्होंने? वापस डाल दिया। पोटेशियम को कहाँ पर? पीसीटी में वापस डाल दिया। पोटेशियम को पीसीटी में क्या किया? वापस डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, वाटर जब अंदर गया तो वाटर के साथ साथ, ध्यान, वाटर अंदर गया, ये वाटर अंदर गया H2, तो उसके अंदर जितने भी ऑस्मोलाइट है, ऑस्मोलाइट का हम जिक्र कर चुके थे, जितने भी ऑस्मोलाइट्स हैं, ऑस्मोलाइट्स यानी कि वो जो क्या होते हैं? पानी से स्नेह रखते हैं। तो जब वाटर गया तो उसके पीछे पीछे ऑस्मोलाइट्स भी चले जाएंगे ना, ऑस्मोलाइट्स सारे। अगर यहाँ पर ऑस्मोलाइट्स की बात करें तो ऑस्मोलाइट्स कौन कौन से? Cr- Ca+2 और HCl-, Cr- Ca+2 और HCl-, वो सारे कौन है? ऑस्मोलाइट। तो यहाँ पर उसके साथ क्या होंगे? ऑस्मोलाइट भी चले जाएंगे।
ये ऑस्मोलिक वाटर तो आ ही गया, ये वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद ऑस्मोर एक्स कौन कौन से, सी एल माइनस, देखिए सी एल माइनस, सी ए प्लस टू, सी ए प्लस टू और एच टू थ्री माइनस, वो भी यहाँ पर आ गए। तो ये सी एल माइनस, सी ए प्लस टू और एच टू थ्री माइनस, ये यहाँ पर चला गया, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो गया। सर भाई बात इन सब का क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अपन आगे और सेल बना लेते, जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन हो गया, सी एल माइनस, सी ए प्लस टू, एच थ्री माइनस, उनका भी एब्जॉर्प्शन हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो एन ए प्लस गया था तो उसके साथ क्या होता है, एन ए प्लस गया था तो एच प्लस का भी क्या होता है, सिक्रेशन होता है। एच प्लस जो होता है वो भी यूरिन के साथ उसका सिक्रेशन भी नहीं होता है, क्योंकि एच प्लस का हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का पी एच मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जब एन ए प्लस अंदर गया, ये एन ए प्लस, तो उसके साथ में क्या होगा, एच प्लस को यहाँ पे डाला जाएगा, ये एन ए प्लस यहाँ पर गया, तो इसके अंदर क्या था, एच प्लस था, वो एच प्लस यहाँ पर डाला जाएगा। समझ लो मेरी बात को, एच प्लस क्या हुआ, वहाँ पर डाल दिया गया। अब एच प्लस जैसे ही एच प्लस कहाँ पर आएगा, पी सी टी में, एच प्लस जो ब्लड में था उसको कहाँ पर डाला गया, पी सी टी में डाला गया। याद कहा कहाँ निकलते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, जो आवश्यक पदार्थ थे, जो कि आवश्यक पदार्थ थे वो बोन कैविटी में छन कर आ गए थे। अब उनका पी सी टी में क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन कुछ पदार्थ थे जो छनने चाहिए थे पर नहीं छने, उनको क्या किया जा रहा है, वापस पी सी टी में डाला जा रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज उसका भी फिल्टर होना है। तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 100% यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 100% ग्लूकोज क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो 100% पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज 100% पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे आयन जो हैं वो इसलिए थोड़ी कम अमाउंट में रीअब्जॉर्ब होंगे, आगे ल्यूकोफिनलेट डीसीटी उनमें उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर यहाँ तक कहाँ जाए समझ में। तो अब अगर आगे बात करें यहाँ पर, तो H प्लस जो यहाँ पर है, आप देखो H प्लस जो है उसको भी पट्टी यहाँ पर एन ए प्लस, एच प्लस और के प्लस, उन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कैसे हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि वो किसके द्वारा हो रहा, सोडियम पोटेशियम पंप के जरिए हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं, ये जो एन ए एच प्लस है उनका ट्रांसपोर्टेशन भी सोडियम पोटेशियम पंप से हो रहा है। अब कहाँ पर किसका एब्जॉर्प्शन किसका हुआ और सिक्रेशन किसका हुआ उसका हम देख लेते हैं, के प्लस, एच प्लस और साथ में एन एच थ्री, इसके अंदर तो कुछ एन एच थ्री भी रह गया था, ये एन एच थ्री। अब ये एन एच थ्री में क्या किया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है एन एच थ्री, जो ब्लड के अंदर रह गया था वो आ गया पी सी टी। अब अपने कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका सिक्रेशन हो रहा है, वो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन और यहाँ पर सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सिक्रेशन किसका हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, एक तो एन ए प्लस का, एन ए प्लस का, और खास बात क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप से हो रहा है, एब्जॉर्प्शन एक्टिव हो रहा है, एन ए प्लस का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन, तो एन ए प्लस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके पीछे, ठीक है वाटर का। इसके अलावा ग्लूकोज का, लेकिन ग्लूकोज की खास बात क्या है, 100% एन ए प्लस कितना जा रहा है, 70-80% इसके एन ए, इनके बात करें, इन दोनों के बात करें तो कितना होगा, 70-80% सोडियम और वाटर दोनों, सोडियम और वाटर दोनों 70-80%, यानी कि आयन और वाटर दोनों 70-80%। ग्लूकोज कितना, 100% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ग्लूकोज के अलावा और कौन से, वाटर गया है तो उसके ऑस्मोलाइट भी जाएंगे, जब वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ है तो उसके ऑस्मोलाइट भी रीअब्जॉर्ब होंगे। तो ऑस्मोलाइट कौन कौन से, सी एल माइनस और कौन सा है, सी ए प्लस टू और कौन सा है, एच
CO3-। तो इन सब का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है? किसी थिंग हो रहा है। ग्लूकोज के लिए एक और टर्म अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कि न्यूट्रिएंट का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं सिक्रेशन। सिक्रेशन किस किस का हो रहा है यहाँ पर? सिक्रेशन के प्लस का हो रहा है, के प्लस का सिक्रेशन हो रहा है, स्त्रावित हो रहा है। दूसरा किसका हो रहा है? एच प्लस का हो रहा है, के प्लस का और एच प्लस का। एच प्लस का सिक्रेशन कैसा हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। एच प्लस का सिक्रेशन कैसा हो रहा है? एक्टिव हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप से हो रहा है। और साथ में किसका? अमोनिया का, एन एच थ्री का। थोड़ा बहुत अमोनिया ब्लड में रह जाता है, उसको वापस पीसीटी में डाल दिया जाता है। तो किसका हो गया ये? एन एच थ्री का। ये सिक्रेशन इतने का ही होता है, के प्लस, एच प्लस और एन एच थ्री का। और रीएब्जॉर्प्शन आपके सामने किनका किनका होता है वो? क्लियर है तक? तो एक बार पूरे रिवाइज कर लेते हैं, क्या हुआ वो? तो एफरेंट टारगेट में जो ब्लड आया, उस ब्लड में यूरिया था, यूरिया के साथ साथ उसको ऑक्सीजन था और भी बहुत सारे आयंस वगैरह थे। तो ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर हुआ। तो फिल्टर होने के साथ साथ क्या हुआ कि कुछ आवश्यक पदार्थ फिल्टर हो गए जो जरूरी थे, और कुछ जो फिल्टर होने चाहिए थे वो फिल्टर नहीं हुए, वो आगे चले गए। तो अब वो सारा फिल्टर कहाँ पर आया? बाउमन कैप्सूल में। बाउमन कैप्सूल से कहाँ पर आया? वो पीसीटी में। तो पीसीटी में आने के बाद वो जितना भी फिल्टर हुआ था उस पर जो आवश्यक पदार्थ थे जिनका फिल्टर नहीं होना था उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया। सोडियम जो था वो सोडियम पोटेशियम पंप से गया, थ्री सोडियम अंदर गए, तो दो पोटेशियम जो ब्लड के पास थे उसने वापस दे दिए, उसको ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर नहीं छने वो, तो यहाँ पर वापस डाल दिया। तो सोडियम गया, उसके साथ साथ वाटर गया, वाटर के साथ साथ ऑस्मोलाइट जाते हैं। ऑस्मोलाइट की वो जिनको पानी से प्रेम होता है, स्नेह होता है, तो ऑस्मोलाइट के साथ कौन से? ऑस्मोलाइट भी गए पानी के साथ। ऑस्मोलाइट कौन कौन से? Cl- Cl+2 H2O3- वो ऑस्मोलाइट है। तो वो तीनों गए, देखो Cl- Cl+2 H2O3- वो तीनों गए पानी के साथ अंदर। जैसे पानी गया उसके साथ वो भी गए। ये सिम पॉल्ट है, ये एंटी पॉल्ट है। देखो एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, ये एंटी पॉल्ट है। ठीक है, ये सिम पॉल्ट है, यहाँ पर ये एंटी पॉल्ट है। एन प्लस गए, एच प्लस बाहर आया, ये एंटी पॉल्ट है। ठीक है, तो देखिए एन प्लस रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब हो गया। एन प्लस का कैसा होता है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और 70-80% एन ए प्लस यानी कि 70-80% एन ए प्लस और वाटर उनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था पीसीटी में। 70-80% एन ए प्लस और वाटर उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है कहाँ पर? पीसीटी में हो जाता है। छोटा के बाद और वाटर भी चला गया, उसके पीछे पीछे ऑस्मोलाइट भी चलेगी। खास बात क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज 100% यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 100% पूरा। बाकी का जो होता है मतलब ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी डीसीटी में कहीं नहीं होगा। 100% ग्लूकोज यहीं पर क्या हो जाएगी? रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, वापस खींच ली जाएगी। क्लियर? साथ में ये जो ब्लड था जो इधर आया है उसमें क्या था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि फिल्टर कर देनी चाहिए थी पर फिल्टर नहीं हुई, तो उनको यहाँ पर वापस डाल दिया जाता है। वो कौन कौन थे? के प्लस, एच प्लस और एन एच थ्री। के प्लस, एच प्लस और एन एच थ्री। क्लियर है तक? तो ये था पीसीटी में क्या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, यानी कि पीसीटी में नलिकीय स्त्रवण और पुनरावशोषण। स्त्रवण क्या होगा? जो नलिका में डाला जा रहा है, और अवशोषण रीअब्जॉर्प्शन जो उससे लिया जा रहा है। रीअब्जॉर्प्शन जो लिया जा रहा है, और सिक्रीशन यानी कि जो दिया जा रहा है, जो लिया जा रहा है वो रीअब्जॉर्प्शन, दिया जा रहा है वो सिक्रीशन। क्लियर? यहाँ तक आया सर? क्लियर? तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही, यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।